सर, आज किस तरह से फैसले आए हैं और गरीबों के लिए आप लगातार खड़े रहते हैं और न्याय भी दिलाते हैं लगातार, क्या किस मामले को लेकर जो है ऐतिहासिक जो है जीत मिली है, क्या कहना चाहिए? यह फैसला एडीजे फर्स्ट कोर्ट जौनपुर के द्वारा दिया गया है और 19 जुलाई 2023 को जो है चार मुलजिम को गिल्टी होल्ड किया गया है, जिसमें धारा 302, 307 और धारा 452, 307 IPC में जो है गिल्टी होल्ड किया गया है और धारा 294, 308 और छोटी मोटी जो और धाराएं थी उसमें संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है। 302 IPC में जो सबसे बड़ी दफा थी उसमें जो है गिल्टी होल्ड किया गया है और सजा के प्रश्न में सुनवाई आज होनी है। 302 IPC के बारे में आपके दर्शकों को मैं बता दूं, 302 IPC में दो तरह के सिर्फ कन्विक्शन हैं। पहला कन्विक्शन है या तो आजीवन कारावास और दूसरा कन्विक्शन है कैपिटल पनिशमेंट, जिसे हम लोग आमतौर पर फांसी की सजा बोलते हैं। तो कोर्ट के पास आज यह सुनवाई के लिए है कि कोर्ट अब किस पे जाती है, कैपिटल पनिशमेंट करती है यानी फांसी की सजा देती है या आजीवन कारावास देती है 302 में। जी सर, ये जो है जिस तरह से आप बता रहे थे उसमें कितने मुजिम थे और मतलब तो कहानी का क्या दांव पेच रहा है, आप इतना स्ट्रगल करने के बाद केस को अपना टेकअप किया, कहानी का दांव पेच क्या है? दांव पेच जैसे हर कहानी में होता है, डिफेंस प्रयास करता है कि हम जो है अपने आप को बचाव में ले जाएँ, अपने हर वकील भी कोशिश करता है कि अपने क्लाइंट को बचा सकें। इस मामले में 7 मार्च 2023 को 4 बजे कुछ लोग, हाँ, इस घटना को शुरू में हिंदू मुस्लिम का ही कलर दिया गया और यहाँ तक कि डिफेंस के द्वारा, बचाव पक्ष के द्वारा, अभियुक्त पक्ष के द्वारा इस बात का हमेशा जो है प्ली लिया गया और इस बात का हमेशा सजेशन दिया गया कि यह घटना सिर्फ चार लोगों के द्वारा नहीं की गई थी बल्कि एक सांप्रदायिक दंगे के तहत उपजी हुई घटना थी। लेकिन कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम कलर को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, कोर्ट ने बिल्कुल नहीं स्वीकार किया कि यह सांप्रदायिक दंगा था, कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना कि कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा शरारत की गई है, बल्कि कोर्ट ने जो चार मुलजिम जिनके खिलाफ हमने FIR नामजद दर्ज कराया था उन्हीं को गिल्टी मानते हुए उन्हें 302 IPC में दोष सिद्ध किया है। और जहाँ तक घटना 7 मार्च 2023 को एक बोलेरो पे खड़े होकर कुछ लोग शराब पी रहे थे और मना करने पे वो लोग जो है घर में घुस के मारे पीटे थे। जो पीड़ित पक्ष था, जो घायल पक्ष था, वह मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिसमें परवेज अहमद के द्वारा जो है मुकदमा लिखाया गया कि उनके पिता कमाल हुसैन की 2 दिन बाद डेथ भी हो गई उसी घटना से और 5-6 लोग और भी इंजर्ड थे। तो घटना के करीब 7 तारीख की घटना, 9 तारीख को जो है कमाल हुसैन की डेथ हो गई और कमाल हुसैन की डेथ का ये मुकदमा है। इसमें यहाँ तक किया गया कि जो पीड़ित पक्ष था यानी जो चुटहिल था गुफरान, उसके खिलाफ प्रतापगढ़ में दबाव बनाने के लिए बलात्कार का मुकदमा किया गया। इस लेवल पे जाके जो है पीड़ित पक्ष को किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की गई, बारगेन करने की कोशिश की गई, परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। लेकिन हैट्स ऑफ, सैल्यूट है पीड़ित पक्ष को कि वह झुके नहीं, वह डरे नहीं, वह दबे नहीं और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने केस को अपने अधिवक्ता के माध्यम से, हमारे माध्यम से और जो गवर्नमेंट काउंसिल उनके माध्यम से अपने केस को रखा, अपने पक्ष को रखा, निर्भीक होकर बयान दिया और जिसकी परिणति यह है कि जिसको हम लोग सफलता के रूप में देख रहे हैं। सर, केस को इतना जल्दी आप लोग ने न्याय दिलाया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे अलग है, हाँ, लगभग 1.5 साल के अंदर ही जो है इसमें न्याय आ गया, अल्टीमेट रिजल्ट आ गया और इसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी डाली थी और इस कोर्ट को जल्दी से जल्दी डिसीजन करवाने के लिए हाई कोर्ट ने हम लोगों की याचिका को मंजूर किया था और केस को डे बाय डे के तौर पे रखा गया था कि प्रतिदिन इसकी सुनवाई होगी। लेकिन कंडोलेंस, स्ट्राइक और कुछ आंदोलन वगैरह होते रहते हैं, इस कारण से जितनी जल्दी हम लोग चाह रहे थे उतनी जल्दी नहीं न्याय मिल पाया। लेकिन फिर भी 1.5 साल के अंदर अगर न्याय मिल जा रहा है इस दौर में तो बड़ी बात है, जबकि नया कानून आ रहा है उसमें भी 3 साल के अंदर न्याय मिलने की बात कही जा रही है, तो उस लिहाज से बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन और भी जल्दी हो सकता था, बशर्ते कि जो है कुछ और इस तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हुए होते। तो सर, पीड़ित परिवार आपसे कितना उम्मीद रखा हुआ था, उस उम्मीद को आप खरे उतरे कहीं ना कहीं? ईमानदारी से यह जीत अगर किसी की है तो पीड़ित पक्ष की है, क्योंकि पीड़ित पक्ष को जैसे मैंने पहले बताया मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और जो मुलजिम पक्ष थे वह क्षत्रिय कम्युनिटी के थे और मैं भी वकील के रूप में क्षत्रिय कम्युनिटी होने के कारण कई बार लोगों ने उन्हें भरमाया कि जो है अरे मुलजिम भी क्षत्रिय हैं और आपके वकील भी क्षत्रिय हैं, ऐसा ना हो कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई निगोशिएशन आपस में हो जाए।
इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। लेकिन उनका विश्वास मेरे ऊपर था, यह जीत, हाँ यह जीत उनके भरोसे की है, यह जीत उनके उम्मीद की है, विश्वास की है। मेरे ऊपर जो उन्होंने ट्रस्ट रखा उसे मैं